नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। बद्दू और मोहित दोनों भाई थे। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। मोहित बद्दू से 2 साल बड़ा था। दोनों एक साथ स्कूल जाते, लौटते समय भी दोनों साथ ही आते थे। एक दिन की बात है, बद्दू अपने दोस्तों के साथ साथ तेज कदमों से घर की ओर लौट रहा था। अचानक उसका पैर एक पत्थर पर पड़ा। कंधे पर किताब कॉपी का बोझ लदा था। वह संभल नहीं पाया और गिर गया। बद्दू को चोट लग गई, उसका घुटना छिल गया, जिससे बद्दू जोर जोर से रोने लगा। पीछे मोहित आ रहा था, दौड़कर झट से अपने भाई को उठा लिया। मोहित समझदार था, बद्दू को काफी समझाया किंतु वह चुप नहीं हो रहा था। मोहित ने झटपट एक उपाय सोचा और सड़क पर 4-5 लात जोर से मारी और बद्दू को कहा, लो इसने तुम्हें चोट लगाया था, मैंने इसे चोट लगा दिया। बद्दू अब सोच में पड़ गया, उसने भी 8-10 लात मारी। उसके और दोस्त थे, वह भी सड़क पर उछलने लगे, जिससे सड़क को और चोट लगे। बस क्या था, अब यह मनोरंजन का साधन बन गया। कुछ देर बाद सभी वहां से जा चुके थे। घर पहुंचकर मोहित ने बद्दू की चोट को दिखाया और डिटॉल तथा साफ पानी से घाव को साफ किया गया। संदेश समय पर लिया गया निर्णय सर्वदा ठीक होता है।